हे भगवान, मुझे बस आज के पेपर में पास करा दियो। हो जाएगा भगत। भगवान बोले? भगवान कहाँ हो आप? अबे मैं हूँ। अरे भाई मार क्यों रहा है फिर? काला सुरमा लगा के हो जाता यार। आगे वाले डेस्क पे बैठा है तेरा यार। आज का पेपर तेरा भाई दिखाएगा। मजाक मत ना करे भाई, आज के पेपर में मुझे कुछ नहीं आता। अबे पूरा पेपर दिखाऊंगा बिना करे लेट। बस तू मुझे खिला दियो पेपर के बाद छोले कुलचे की एक प्लेट। भाई एक नहीं, तू प्लेट डेढ़ खा लियो, लेकिन प्लीज दिखा दियो भाई। अरे पूरा पेपर दिखाऊंगा, देख सुन, मुझे सीटी मारियो पहले, फिर मेरा नाम लियो अमित। अमित अभी बिजी है मेरा प्यारा भाई। अमित भाई, अमित 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 भाई, रोक ले ना तो भाई। भाई प्लीज मुझे पास करा दे, मैं तुझे सुनीता का नंबर दे दूंगा भाई। अमित बड़ाना पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ। चिटिंग हमारा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। जो दोस्त चिटिंग ना कराए वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या कहने अमित तेरे। ओह, 5 मिनट पहले पूरा पेपर कर दिया। सर जी मेरा पेपर हो गया। अबे कहाँ था तू पूरे पेपर में? तुझे मैं ढूंढ रहा था, एक आवाज ही मार लेता। पूरी तैयारी करके आया था क्या? कुछ पूछा ही नहीं। पूरी तैयारी करके आया। विकास, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत दिखा दियो। वो भी नहीं किया मैंने। अरे यार 4th line तो कर रहा है उसकी, दिखा दे। इसको कैसे पता? तेरा इलाज तो है मेरे पास, अब देखता हूँ कैसे देखेगा। उत्पादन और लागत वाला क्वेश्चन कर रहा है ना। मैं इससे कैसे बचूं, इससे कैसे पता लग रही है मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा। दिखा दे। अब देख के दिखा। 1, 2, 3, 4 4 पेज लिख दिए इनकम डिटरमिनेशन के, फिर भी मुझे नहीं दिखा रहा। कैसा दोस्त है ये मेरा? अबे कहाँ जाऊं यार, अब तो बस एक ही रास्ता है। प्रोडक्शन एंड कोस्ट कर रहा है ना, दिखा दे। ये ले, तू ही कर ले, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। आंखें ले रहा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ले रहा है। कोई बात ना, राइटिंग गंदी है, बस तेरी साफ होती तो और मजा आ जाता। थोड़ा ऊपर ले विकास। हाँ ठीक है। ओ बहुत बढ़िया भाई, तू तो क्लास टीचर से ट्यूशन भी पढ़ता है ना, मुझे तो सर ने बताए होंगे ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें भी बता दे भाई। इस बार का पेपर बहुत अलग आएगा केमिस्ट्री का। भाई कल तो मैथ का है। अब इतना पढ़ लिया हूँ, कुछ पता ही नहीं लग रहा किसका पेपर है किसका नहीं। तूने पढ़ी प्रोबेबिलिटी? हाँ भाई। वो नहीं आ रही। क्या? तूने पढ़ी वेक्टर अलजेब्रा? भाई वो तो मैं घर जाके रट लूंगा। वो भी नहीं आ रहा। फिर आ क्या रहा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अभी रट लेता हूँ। अबे रुक जा उतावले हो। वो भी नहीं आ रही इस बार। तो इस साल क्या अरिजीत सिंह और कुमार सानू के गाने आएंगे पेपर में? मुंह पे लगा ले टेप, सीधे कर ले जेल से बाल। मैं बताऊंगा कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर इस साल। उठाओ किताबें। आज का क्वेश्चन पेपर मसल के रख देंगे। छोटे काम पसंद नहीं मुझे, पेपर को भमोड़ देंगे बिल्कुल। अरे बेस्ट ऑफ लक भाई। अपना लग अपने पास रख, रहना चाहिए। अरे तू हल्के में ले रहा है, पूरे क्वेश्चन पेपर की पता हमें क्या है? चल अपना देख। अबे बोल तो ऐसे रहे जैसे इनके फोपा ने ही पेपर बनाया हो। ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी भी आ गई। तूने पढ़ी प्रोबेबिलिटी? वो नहीं आ रही। वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा वो भी नहीं आ रहा। वो कहाँ है जो अमित ने बताया था? अबे ये क्या है? अरे मैया रे, जो हमने ग्रुप स्टडी में पढ़ा हो तो पेपर में आया ही ना। अब क्या करेंगे? अमित कहाँ है? अरे भाई जो तूने बताया था वो तो आया ही नहीं, लिख क्या रहा है तू? मैं वो लिख रहा हूँ जो मुझे पता था आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। मतलब ट्यूशन के 500 रुपए ली हम दे मास्टर को, और पेपर तुम्हें बता दे। चल
एम्बुलेंस बुला उसको। अबे अगर किसी का तेरे जैसा दोस्त हो ना, उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है जब फुल परसेंटेज आ रही है? अगर कल पेपर है तो अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। मम्मी पापा भी सो रहे हैं, एक गेम बजा लूं क्या पबजी का, फिर पढ़ूंगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और रिवाइव कर भाई, रिवाइव कर। अंजू, मंजू, संजू सबका नंबर दूंगा। अबे करना, अब पढ़ता हूँ पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अगर अमित अब तू हिला एक भी सेकंड तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार ठंड सी लगी थोड़ी सी, धूप भी अच्छी निकल रही है, थोड़ी सी सेक ली जावे। अभी तो बहुत घंटा पढ़े, कल ही तो है पेपर। धूप सेक फिर पढ़ता है कंसंट्रेशन के साथ अमित। धूप सेकने का भी अपना अलग ही मजा है। अब बहुत कर लिया टाइम बर्बाद, अब पढ़ पूरे कंसंट्रेशन के साथ। कितना टाइम होगा? ओए तेरा क्या होगा कालिया? यार मैंने बस 2 घंटे धूप कैसे की, मेरे और भैंस के कलर में कोई फर्क ही ना रहेगा। 5 दिन बाद अब नहाना पड़ेगा भाई। मौज आ गई, 5 दिन में नहा के अब पूरी पढ़ाई करनी है अमित तुझे कंसंट्रेशन के साथ। यार एक बात बता अमित, तू तो कतई बावला है। जब तू नहा लिया है तो मंदिर भी चला जा और प्रसाद भी चढ़ाया। आधा दिन निकल गया यार घूमते घूमते। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। विकास से पूछा जाए क्लास टॉपर से कि वो कितना पढ़ लिया। हेलो। हाँ भाई। अरे भाई कितनी पढ़ाई हो गई? कहाँ यार, सुबह से सो रहा हूँ मैं, रात को पढ़ूंगा। सो जा सो जा सो जा। चल ठीक है बाय। अबे झूठे यार, क्लास के टॉपर ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? 4 बज रहे हैं, 2 घंटे की खेच नींद, 6 बजे उठ, फिर पूरी रात तेरी है। अरे जब टॉपर ही ना पढ़ रहे तो हम 33 वाले पढ़ के करेंगे क्या? चलो। अभी तक सो रहा है? अरे भटके पोते, पेपर देने नहीं जाना है? 6 बज गए। पापा जी शाम के 6 बजे, अभी मेरे पास पूरे 12 घंटे पड़े हैं। शाम के 9 बजे, सुबह के 6 बज रहे। चलो सुबह के 6 इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। दही और चीनी लो, एग्जाम मस्त दो। कर दिया आप सगुन। अबे मेरे एग्जाम के टाइम पे चीखना है सब है। 1/2 घंटे बाद जाऊंगा। 1 - 2 sin²। बिल्ली रास्ता काट गई, अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन यार दूसरा रास्ता तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बीच में मंदिर भी तो है, दर्शन भी हो जाएंगे, एग्जाम भी दे दूंगा, ये ठीक है। भाई बिल्ली मसी, मैं देखता हूँ आज मुझे टॉप होने से कौन रोकता है। ये क्या बदतमीजी है? रुको पंडित जी, आप भटक गए हो, ये स्कूल है, मंदिर थोड़ा आगे है। मंदिर तो मैं हो आया, अब मैं स्कूल में आया हूँ, मैं बनूंगा क्लास का टॉपर, ना कोई लोपर। नंबर से गदर मचाना, नाम अमित बढ़ाना, मुझे जाने दो, मुझे टॉप करना है, मेरा पेपर रह रहा है। जजमान गदर तो अगले साल मचाना, क्योंकि पेपर खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट कैसे? मुझे जाने दो, मेरा पेपर है सर, ऐसे मत करो प्लीज पियोन चाचा, प्लीज पियोन चाचा। नहीं नहीं नहीं, अब अगले पेपर की तैयारी करो, उसमें जितना चाहे गदर मचाना, अब प्रिंसिपल सर से शिकायत हो जाएगी। अब बदतमीज नहीं, जाओ अगले पेपर, अगले में प्लीज प्लीज, अगले में अगले की तैयारी करो यार। लगता है कुछ अब सगुन हो गया, चेक कर दो। अबे इन्हें अभी भी सगुन अपसगुन की पड़ी हुई है। अरे पढ़े लिखे स्टूडेंट बनो, अंधविश्वासी नहीं, तुम जैसे लोगों ने भगवान को और बदनाम कर रखा है। मेरी क्लास में कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, आखिरी के 30 मिनट दूंगी, जी भर के चीटिंग करना। ठीक है भाई, जब पेपर का 1/2 घंटा रह जावे तो मुझे उठा दीजो। अरे कंचिल आया है? हाँ भाई। चल तो फिर निकालना, 2.5 घंटा कल्ली जोड़ बजाएंगे। 2.5 घंटे बचे, अपने बाबू से बात करूंगा। ताई मिला बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया।
सुनो बे, आखिरी का आधा घंटा शुरू होता है अब। 40 नंबर कम से कम लाने हैं। आक्रमण बोल दो। रुको 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 रुको, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरी ड्यूटी तो 2.5 घंटे की थी, अब आधे घंटे की ड्यूटी है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तालू सर की क्लास में जिसने भी बातें करी उसकी पैंट फटी ही फटी। आज तो मैं हो गया फेल, अब मेरे पापा मुझे परचून की दुकान पे बैठा देंगे। अरे यार, इस सीजन में ब्याह की उम्मीद ही, फेल होऊंगा पक्का। अब ये भी हाथ से गया, खाता ना खुलने वाला। अब कभी जब ना मिले लूटने को तो पसीने लगे छूटने को। ये चुप कर लो, जो भी आवे। गुफा में हाथ डाल और इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी 3D डेरिवेटिव सबके फर्रे आ गए जी। अब निकालूंगा असली हथियार। कुछ तो गड़बड़ है, खड़ा हो जा। आपको बुला रहे जी। तुझसे बोला है, चेकिंग करा। पेपर कैसे कर रहा है तू? मेहनत से कर रहा हूँ जी, पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। हमारे मतलब ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में संस्कार ही ऐसे हैं। पापा भी पढ़े लिखे, दादा भी, परबाबा भी, सब पढ़े लिखे हैं। थैंक यू जी। सर जी, हर सब्जेक्ट के फर्रे दो नाक, हल्के में ना लिया मुझे, मैं हूं चीटिंग का बाप। चाहते मैं इंजीनियर बनूं, तो मम्मी डॉक्टर। कोई मुझसे भी पूछ लो यार कि मुझे क्रिकेटर बनना है। कल पेपर है, बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। मैं खुद को कुछ कर लेता हूं, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। पता है कितनी मन्नत मांगी थी तब तू पैदा हुआ। हाइट तो मेरे बराबर हो गई है, काम तू मुझसे बड़े करेगा। मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। प्रेशर में आके कभी कोई फैसला मत लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर बात करना। उस दिन मेरे पास दो रास्ते थे, आगे नहर और पीछे मेरा घर, लेकिन मैंने उस दिन जाना कि कैसे कोई बात दिल में रखने से बोझ बन जाती है। मैंने उस बोझ को निकाला और उसी रात माताजी और पिताजी से बात की। आज मैं अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूं।